नालंदा के नूरसराय थाना के अंधन्ना मोड़ के पास एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है। परिजन हत्या करने का आरोप मृतक के दोस्त पर लगा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। हत्या करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। लेकिन गुरुवार को नूरसराय टेम्पो स्टैंड के पास परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना के बाद परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सजाने का प्रयास किया। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द सभी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के समझाने पर करीब दो घंटे बाद शव को सड़क से हटाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नूरसराय थाना इलाके के जलालपुर गांव निवासी जितेंद्र तांती के पुत्र निरंजन कुमार था। निरंजन के दोस्त की मां की तबीयत खराब थी, जिसकी इलाज के लिए 1,00,000 रुपए सुध पर लेने के लिए उसको गांव के ही दोस्त ने बुलाया था। निरंजन की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया था। निरंजन का शव नूरसराय थाना से मात्र 50 मीटर की दूरी पर फेंका गया था। नालंदा एसपी ने बताया कि पैसे की लेनदेन में यह हत्या हुई है। निरंजन के परिजनों के आवेदन पर 6 लोगों पर नामजद FIR की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर रहे हैं, इसके पीछे आप लोग का क्या मांग है? इसके पीछे मांग है, निर्दोष के मार दिया है और सब सूरज कुमार का अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। सूरज कुमार कहाँ का है? जलालपुर का। बोला था कि 15 दिन के अंदर में इसको मार देंगे। अब सही बात, 15 दिन हो गया, कल ही मार दिया। और तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम किया जी? गिरफ्तारी के लेकर मांग करेंगे, जो मुआवजा होगा सरकार जो देगा, जो